खुद को पेट भर लिया, पुत्र को भर कर लिया खुद को। भगवान यदि आपने धन ज्यादा दी दो है तो दूसरा के लिए भी है, कौन आए अकेला आपने ले दी दो। आज एक आदमी करोड़पति है और एक आदमी ने एक टाइम की रोटी भी न मिल रही, ठाकुर जी अंतर कारा क्यों? बराबर ने क्या बनाया हारा ने? ये सब पूर्व जन्म का कर्म है, इसलिए इनकार त्याग दीजो, त्याग दीजो महाराज। क्यों वान के अतरा रिचार मुंह कमाली, ठाकुर जी एक मिनट में करोड़पति बना सके, एक मिनट में रोड पे भी ला सके, मांगा ने कुछ आची। इसीलिए आज जो भी धनवान है सोच लो ये पूर्व जन्म का कर्म है। इसीलिए केवल आप लोग खुद को पेटी न बनो, पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। बेटो सपूत यही दूजी रुपया कमा ले, आपने रुपया का भरोसा कोई और कपूत जो निकल गयो अटे बोले घर भर दो ने रुपया का, वो काकरा काट दे कोयला काट दे कर दे कर दे। इसीलिए आपको भाग्य अलग हो और आपका पुत्र आपकी संतान को भाग्य अलग है, इसलिए दूसरों को भी पेट भरना हमारा, अनाथ को ऊपर दया करनी। और भगवान कह रहे जिसने प्राणियों से वीर भाव से अधर्म से रास्ता का मैंने खर्च इकट्ठो की दो, वह अपने शरीर को छोड़ करके अकेले अंततः इस नरक का मैंने चला जाए। भगवान कह रहे जो केवल अधर्म से कुटुंब को पालन कर लिया वे सब ये नरक में पेड़ वाला। नरक लोक से जितनी यातनाएं हैं उनको सबको कर्म से भोग करके शुद्ध होकर के पाचो मृत्यु लोक का मैंने जन्म लेना पड़े महाराज। और अठेवी कतरी योनिया है 84 लाख अरे पाची योनिया है या का मैंने घूम लो। बोलो बाकी हरिलाल की जय हो। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल गोविंद नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोविंद भगवान की जय हो, क्या गुजनाथ की जय हो। आगे गुरु जी महाराज पूछो, कई गच्छन्ती यम मार्गे वेतरण्यां पतन्ति, कई कई पापे नरकम यान्ति, तन मे कथय केशव। कई गच्छन्ती यम मार्गे वेतरण्यां पतन्ति, कौन आदमी किसान का कर्म करे कवाने नरक की ओर जाऊं, ये मरण बताओ भगवान के ठाकुर जी क्यों? सदैव कर्म निरता शुभ कर्म परागमुका, नरका नरकम यान्ति दुखात दुखम भयात भयम्। भगवान क्यों? अब सुनो, कौन आदमी कृष्ण का कर्म करे कवाने नरक का मिले जाऊं पड़े। जो सुनो महाराज, धर्मराज जी का नगर के कतरा दरवाजा है, पूर्व पश्चिम और उत्तर, ये जो तीन जो दरवाजा है ये कहां स्वर्ग और दक्षिण को जो दरवाजा है ये नरक में जाएगा दरवाजा। भगवान कह रहा कि नरक में दक्षिण का दरवाजा कौन प्रवेश के भी जो कोई गाय और ब्राह्मण ने मार बाड़ो, गाय ने मार बाड़ो, ब्राह्मण ने मार बाड़ो, शराब पी बाड़ो, बालक ने कूट बाड़ो, औरता ने कूट बाड़ो, गर्भ गिरा बाड़ो,
और छिप करके पाप करवा लो, यो सभी नरक में जाए। जो कोई गुरु, ब्राह्मण, देवता, स्त्री और बालक का धन ने चुरा काटे, गुरु जी का धन ने चुरा काटे, ब्राह्मण का धन ने चुरा काटे, भगवान का धन ने चुरा काटे, और कोई बालक और ये औरतन कोई लूटे, ये सब नरक की ओर जाए। जो कोई कर्ज लेकर के पाछो न दे, देखो उधारो लेबो तो हो रो पर देबो पको। एक बार ये पांचों पांडव इंद्रप्रस्थ का मायने एक राजसूय यज्ञ कर पूछा। इंद्रप्रस्थ मानो किशो शहर है, कोटा कौन? इंद्रप्रस्थ कौन है? जो पांडवों की राजधानी है दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली। ये मुगल आया इनको नाम परिवर्तन कर दिया, इनको दिल्ली नाम हो इंद्रप्रस्थ। कोटा तो इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर पूछा, इसीलिए आज पांचों पांडव बैठा बैठा रही। निर्णय करिया के आपने मन जाने के ब्याह मान लिया तो घर का हर एक बेड रखे एक बिंदे का रिश्ता टका कर रहा तुम तो अपने लाखों अपने तो कुछ भी लाला उदारा। इसलिए आज ये पांचों पांडव बैठ करके विचार करिया के भाई आप राजसूय यज्ञ तो करिया पड़ पे पियो टको कतरो है। युधिष्ठिर जी क्योंकि रुपया तो कम तेरी बिल्कुल अजय अर्जुन क्यों कई करो कोई कम पेड़ी तो कदू लावा उधारो। अच्छा युधिष्ठिर जी क्यों के द्वारिका दी समय तू ले उधारो। इसीलिए भीम और अर्जुन दो ही गया द्वारिका में। जो ही द्वारिका का मेरे पहुंचा भगवान कृष्ण दो ने कोई स्वागत की दो अर्जुन और भीम को और बेटवा के लिए आसन दी दो। भगवान कृष्ण क्यों दो ही भाई आज किसान आया अर्जुन खड़ो होकर के क्यों महाराज वे इंद्रप्रस्थ में एक राजसूय यज्ञ कर्म छाड़ा मां का मैंने मां के धन की कमी रही रुपया कम पड़ गया इसीलिए उदारा लेबा के लिए आया। आप भगवान कृष्ण क्यों छावे जो दे दो किंतु अर्जुन जिशान देना आज ले जा रिया राजी है उशाद राजी एर पाचा देते वो की अर्जुन क्यों कहना था दूध में खोड़ दे हमा वो आ थोड़ी बात की था कहने को उदाहरण ले जाएगी तो पाचा दूध में खोड़ दे हमा पाचन के दे हमा। भगवान द्वारिका दीश क्यों अर्जुन देव केम्बो हो रहो देवो बको देखो महाराज दुकु दूसरा के ये केम्बो आप तो आप जिशन आप तारीख डाल दो और उदाहरण ले बड़ा आई हुए कहीं का पांच दिन पहले कह दीजिए मुझे दे दो पूरा का कौन लेकर नहीं आया तो पांच दिन पहले मांग लीजिए जब तो भी हो जाए दे वो बक्को बोला हमारे भगवान कियो कि मैं न मानो जड़ा तक युधिष्ठिर जी आज न कह दे वे घोटा तक न मानो कहा कि आज मैं रुपया तो दे जो हूं पर वे आपने प्रेम भाव है ये रुपयों आने के लिए प्रेम तोड़ ना करो। अर्जुन क्यों अंदाजा न तोड़ा क्यों मैं न मानू ना थारा के बोलो मानू युधिष्ठिर जी कही तो इस मान युधिष्ठिर जी ने बुलाया आया युधिष्ठिर जी। युधिष्ठिर जी क्यों कहे द्वारिका दी इस देव ने रुपया उधारा भगवान क्यों कहे मैं तुझे मना करू ले जाओ ना सा किंतु आज जो प्रेम तेरा रुपया ले रहा आज जो को था को मन है ले रहा जो को मन यो को यो मन पाचा देव जरा राख ले राखो। युधिष्ठिर जी क्यों बोली बात देवो चाहे मत देवो उदारा रुपया अशो को अशो मन तो बोल को ही छोड़ दे बेटा बोलो कृष्ण के लाल इसीलिए रुपयो ले वो कर्ज लेकर के पाछो न देवे वो भी नरक में जाए। जो केवल दोष ग्रेड करवा लो देखो सर्वगुण संपन्न इस संसार में कोई कौन है महाराज मैं अपने पंडित जी हूँ आप महाराज को भी महाराज को कथा हो गया तो भी भगवान बारा में कही की दोष डाल गया आपका मैंने भी कही की दोष है। सर्व गुण संपन्न कोई भी कौन है इस संसार में सर्व गुण संपन्न है तो केवल परमात्मा भगवान। इसीलिए कोई को जी का मेरे कोई दोष है वहां को त्याग कर दो महात्मा अपने जीवन में न अपना बारा में की दोष लगे कि हमारा पंडित जी ईशान करिया आपने ला लो ये गलत करिया उसे काम आपने न करो केवल छादला की नहीं है जानो छादला की अच्छी अच्छी बात नहीं ले रहा। साधु ये साचा ही ये
जैसा सुप सुधाई सार सार को गई रे धोता दे ये चार लोग ठीक रहे अच्छा अच्छा गोंदर तो हर फाकल फाकल ने फाक दी अच्छा नहीं करना ना कोई फाकल बात लगे अने फाक के नहीं जीवन में भी निकाल दे इसलिए केवल दोष ग्रहण करवा लो वो भी नरक का में जाएगा और भगवान कह जाके गुरु की तारीफ में करवा लो जो नीच का साथ में बैठ वालो जो मूड सत्संग का मिने न जा वालो ये सब नरक में फेरे वाले जो तीर्थ सज्जन अच्छा कर्म गुरु और देवता की निंदा करवा भगवान की निंदा करे गुरु जी की निंदा करे गुरु कौन है देखो अर्थ है अंधकार और देखो अर्थ है प्रकाश जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा वाला जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जा वाले बोले गुरु और गुरु बिनु बिनु भवन तीर्थता रही न को जो आपने ज्ञान देवे वो गुरु है एक तो दीक्षा गुरु लगे दूसरे जो ज्ञान देवे वही गुरु है दत्तात्रेय जी महाराज 24 गुरु बनाया भागवत में कतरा 24 टैक्य ने भी गुरु है टैक्य ने गुरु की शरण में मधुमक्खी कई करे टैक्य थोड़ो रस को टपको लायो बेड़ो को अच्छा खाओ थोड़ो एक एक बूंद बूंद करके वे एकत्रित कर संचय कर क्योंकि मैं पचे खाओ बेड़ो करो भूखो रहे बोडियो मारा लास्ट का मैंने एक दिन एक आदमी आयो टाइटेन उड़ा दीदा रस ने तो ले गया इसलिए वाका ने को शिक्षा ली थी कि संत ने रुपया को संचय न करना आप लोग रुपयो थोड़ा मजो भी ले लो महाराज अपना जीवन में आया हा कहीं नंगा महाराज छोरा छोरी के दिन रुपया ने उड़ा ना करा रुपयो आप लोग आप ही मजो ने ले तो कोई लेवा इसलिए अपना शरीर पे भी खर्च कर लो आनंद भी कर लो और दान पुण्य भी कर लो धन की तीन गति है कतरो भी कर लो दान भोग और नाश दान करो और मजो भी लो और यदि ओ न किदा दोई न किदा तो खत्म है जानो रुपयो आपको बोलो कृष्ण के नियलाल की इसलिए जो गुरु देवता की निंदा कर बालो पुराण मीमांसा न्याय और वेदांत की बुराई कर बालो और ये सब नरक का मैंने फेरने वाला जो कोई ने हर्षित देख करके दुखी देख करके प्रश्न है कोई आदमी दुखी है माने देख कर राजी है जो कहा अब आयो मजो तो भंडा काले थारो भी आई मजो कहा कि आदमी दुखी है तो कल आपो में भी कई कई दुख आ जा खोटा वचन बोल बालो सदा दुष्ट चित रह बालो शास्त्र की बात में और हितकारक वचन में कहीं न सुन बालो ये सब नरक का अधिकारी भगवान कह रहा माता पिता गुरु आचार्य और पूज्य को अपमान करवा माँ को अपमान करे पिताजी को अपमान करे गुरु जी को अपमान करे आचार्य और पूज्य आदमी है बड़ा आदमी है वह को अपमान करे ये सब नरक का अधिकारी है। इस संसार में चार धाम की यात्रा नहीं रही कोई बात नहीं रोज चार बजा का मंदिर में ले जाने आ रही कोई बात नहीं व्रत में रहने आ रहा उपवास में रहने आ रहा कोई बात नहीं चारू धाम माता पिता है की सेवा को उनकी आज्ञा को पालन करो इस संसार में मां का ऋण में कोई भी न चुका सके मां का ऋण में मारा कोई भी न चुका सके एक बार एक लड़को बाकी माने की हो कि मां मैं थारा ऋण में चुका बाकी माँ की बेटा मारो ऋण थारो चुके जगने नहीं मां तारा मैं ऋण में चुका हूं तुमने मोटो की दो पेट में रखियो वो ऋण ने तुम्हें तारी सेवा कर चुका माँ की बेटा मारो ऋण थारो होरो न चुके जो के चुका हूं मैं कही दो एक और तू घड़ो जद पकड़ रियो तो चुका बोई छा रियो मारा ऋण ने तो आज थारा माचा ने मारा कमरा में डाल दी माँ का कमरा में डाल दी तो माचा ने और माँ बेटा दो ही होता पाता चीता कर लिया माता चीता करता करता एक बेटा ने नींद आवा लगी माँ ने मालूम पड़ी कि बेटो नींद आ रही है तो माँ क्यों बेटा मैंने थोड़ा पानी पा दिया बेटो खड़ो होकर के लो माता राम वो जल माँ वहां जल न पी आधा लोटियों पानी पी दो और बच्चे जो आधो पानी बेटा का बिस्तर की तरफ फेंक दी
बेटो क्यों है माँ की तुम की आंधी या कई बात मैं वो हूँ कि ना हमारा बिस्तर की तरफ तो पानी फाड़ दो बाकी और बेटा मैंने अपनी दीकियों को ही ना लोटिया ने पाचो मेल थोड़ी कहीं सूखी जगह ही वहां पे हूं तो बेटो पाची नींद आवा लगी फिर माँ ने विचार आए को बेटो नींद काट रही हो तो फिर माँ क्यों बेटा मैंने पानी फा दे क्यों पेल की पुरो ने पी दो और क्यों बेटा मारा घोड़ो हूं तुझे पानी फा अब पानी ले रहा हो पानी ले रहा है ना ओ पानी पानी पी आ तो लोटियों की दर आ तो ने पाचो वहां तो बिस्तर की तरफ बेटो क्यों ये माँ अब मैं कटे हूँ ये दल दल आंधी की बात उनने जोड़ा है उनने जोड़ा मारा बिस्तर की तरफ बीच ढोल माँ क्यों उठा तारा माचा ने डाल तारा ठाले बंदिया मारा इन्हें तो चुका सके वो तो वो पानी पाकियो जत्रे एक तुमने अपनी क्रोध आ रही रीस आ गई जो तो मैं तो तारा मल मूत्र में होती थी और शुका में थने हुआ जो हुआ वो तो किसी ने पाकियो ना थने और फिर वो उतना पानी में तेरे क्रोध आ गया बेटा मारो इन थारों में चुका बोलो कृष्ण की जय लाल की इसीलिए इस संसार में माँ का ऋण में माता पिता का ऋण में कोई चुका नहीं सके चारों धाम माता पिता है अपने हिंदू धर्म में एक में शिवपुराण की कथा कोई कम में भगवान शिव जी के कथा बेटा कार्तिकेय और गणेश जी दोई कैलाश पर्वत पे खेल रिया खेलता खेलते ही कार्तिकेय जी क्यों गणेश जी ने के गणेश जी था कहीं रूप ने देख रहे थे कोई नपना है हुंडा ने देख भाई भाई बेटा बेटे की बात की थी गणेश जी क्यों पहनो तो पहली मैं पहनू कार्तिकेय क्यों पहली मैं पहनू मैं तारो बड़ो भाई हूं और शिव जी को ज्येष्ठ पुत्र भी मैं इसीलिए पहली मैं पहनू भाई लड़ता लड़ता गया भगवान शिव जी ने के भगवान शिव जी के लड़िया था कार्तिकेय जी क्यों प्रभु मैं पिताजी मैं आपको ज्येष्ठ पुत्र मैं हूं मैं पहली पहनू और गणेश जी कह रहा मैं पहली पहनू इसीलिए मत दो युद्ध क्यों बात युद्ध बोलता बोलते ही रहा भगवान शिव जी क्यों देखो लड़ो मत जो कोई ये भारत भूमि के पहली परिक्रमा करा जाए पानी में पहली पना अपने आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ये चार धाम जो बनाया ये भारत के अंतिम छोर पे कहां बिठाया और फिर न्यारा न्यारा कहां बिठाया एक ही जगह पर निकल बैठा लिया ये चार ही धाम ने और एक जगह पे जातार आ जाता और चार धाम का भी में लास्ट लास्ट बॉर्डर भारत को अंतिम छोर उत्तर का मैंने किसा भगवान चार धाम में मत पूछ रहा बद्रीनाथ आगे पर्वत आ गया आगे न जाना ये उत्तर में और पूर्व में नहीं 26 भगवान आगे समुद्र आ गया आगे ले जाएगा और पश्चिम में द्वारिका आगे समुद्र और दक्षिण में आगे ले जाएगा आगे ये अंतिम छोर पे बैठा है क्यों क्योंकि चार धाम की यात्रा करवाऊंगी भारत भूमि के प्रक्रिया या देवता की भूमि है या तीर्थ क्षेत्र है हमारा या भक्त भूमि या देवता है रमन कर हमारा इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ये चार जो मठ बनाया ये अंतिम छोर पे बनाया भारत की यात्रा करवा को मतलब चार धाम की यात्रा है इसीलिए भगवान शिव जी के जो कोई चार धाम की यात्रा पे लिख रहा है आने में पहली पन्ना कार्तिकेय जी मन में विचार के दबा जा आप लोग पन को तो फाइनल ही हम जो कहा कहा कि आप लोग वाहन का को है और गणेश जी के चूहा को न तो मुंदरू दौड़ जाओ आपने बराबर न गणेश जी दौड़ जाओ इसीलिए कार्तिकेय जी मन में विचार की दो का कटारी हंडी ले लो बोलिए पन को फाइनल आप मयूर का ऊपर आरूढ़िया कार्तिकेय जी महाराज चार धाम की यात्रा के लिए निकल गया गणेश जी महाराज दो बाजोट लाया माता पिता ने बिठाया बाजोट पे पूजा कर लिया गणेश जी माता पिता ने शिव जी की और गणेश थोमा के पूजा का में लागोड़ रही और कार्तिकेय पहली चार धाम की यात्रा करा जाए भारत भूमि की परिक्रमा करा जाए इसलिए थोड़ी जा वो पहली पंचायत गणेश जी के रुको में पहली पूजा की हूँ माता पिता की पूजा कर और गणेश जी महाराज सात बार परिक्रमा की थी माता पिता
और हाथ जोड़ करके गणेश जी कराया जाएगा मन पर उपनव शंकर भगवान के उपनव किसान पहली यात्रा कराओ, क्योंकि महाराज शास्त्र में लिखे कि हमारा माता पिता की सेवा जो चार धाम की यात्रा से भी श्रेष्ठ बताई भगवान के बिल्कुल श्रेष्ठ में केवल ताकि बुद्धि की परीक्षा कर लो। इसलिए तो माँ की जो सेवा करके जो परिक्रमा की दी तो एक बार नहीं सात बार परिक्रमा की दी, इसीलिए तने एक छोरी न पन्नो दो पन्ना और रिद्धि सिद्धि का साथ में ब्याह कर बोलो बाकी बिहारी लाल की। और उठी ने नारद जी जाकर के कार्तिकेय जी ने क्यों का कटारी ने परी हेट नाग दो भला लागो दक्षिण की तरफ कार्तिकेय जी और भगवान शिव और पार्वती जी खूब मनावा के ले गया परंतु पाचन आया और उठे भगवान शिव ज्योतिर्लिंग का मैंने स्थापित किया किसा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन बोलो बाकी बिहारी लाल ये मैं शिव जी की कथा का माध्यम में आपने बताया कि माता पिता को मृत्यु जो चार धाम की यात्रा से भी श्रेष्ठ है। एक बार एक डोकरी जी के लड़को यो और बाकी लड़को यो एक महीना का बाद में माता पति देव मर गया, थोड़ा गरीब स्थिति दरिद्रता ही घर में वादान की कर वहां बच्चा बड़ो की दो पढ़ायो लिखा है और दो कमरा भी बनाई था जिमें रेवे दो माँ बेटा। अब वहां की मामे मान्यता मिलने एक इच्छा है तो मारो बेटो बन जाओ बचके मारे बीमरी आ जावे बच्चे में पग पसार भेज जा मारा हीड़ा हाथ करवा जी माँ की एक इच्छा और भगवान की कृपा ही और आज ब्याह भी यही हो ब्याह यही हो भाई उपन बा जावे ना बाणू अपन बा जाओ की माँ की माँ वाने स्तन पान करा नकाशी करे ताके लग रहा आके इके लग रहा कि बेटा मैं थारी माँ हूं और थने में दूध पार मोटो के दो मारे दूध की लाज राखनी मन भूल जावे लो तू अबे तू पनवा जायो तू तो ये जाए बांदर और आगे मदारी खड़ो तारा गला में राड़ी नाग दे पर नचाई जिशान तू बेटा मन भूल जा लो मैं इतने नौ महीना तक पेट में रह क्यों तो दूध पार मोटो किलो बाकी माँ वाली एक बार दूध की याद दिला कर बोलो बाकी बिहारी लाल तो भाई तुम्हारा जो पंद्र आर्यो महाराज भाई बनो पंद्र आवे न अच्छा घोड़ी पे बैठो रहे पन्नेजे सब नाचे माता साहब नाचेंगे नाचे कुआरे नाचेर पन्योड़ी नाचेर वाकी दाजी नाचेर दादी माँ नाचेर पिताजी नाचेर वाकी माँ नाचेर ने नाचे तो दूजा ऊंचा ऊंचा नचाए के नाच पाया भाई घोड़ी पे बैठो बैठो मलक मलक कर वो केरी के या भंडा नाच गया कमें नाच गया कब भाई उड़ जी हो चुके जी कल आप नाचने देगा भगवान की बंदोली को कोई नाचेगी लाचा ही बने उठे तुम्हारा और उठे पनपा का महीने देखो उच्च को उच्च कर नाची उठे पन्योड़ा भी नाचे कुमारा भी नाचे कुमारा तो इकेले नाचे हे भगवान मेरी ईशान घोड़ी पे बैठ के जी मलक मलक के रहा मेरे ईशान पिए ना के जी और पंजोड़ा इकेले नाचे क्या भाया घोड़ी पे बैठो बैठो मलक मलक तो करियो पर बा आ रही हो माँ की लेड़ में यानी रात दिन ये घरेड़ा की नहीं देगा मेरा नंगे न पड़ रही वाला कि ये दिन उगरी और कि ये रात हो बोलो कृष्ण के दिया लाल जय हो शांतिलाल जी बैठो पन्ना आ माँ बड़ी प्रसन्न गिरी और बैठो पन्ना आज मैं हो जिएगी पग पसार पे खराज दिन की तो अच्छी रही हूँ कुआ और आपने क्यों ने नोई बीनी नो दिन की खाचा कुचा अब खटपट चालू ही इस संसार में कभी इतिहास उठा दे हो कुआ की इस राड़े में
देखा माँ बेटिया के तो बड़े रहे तो किसी राड़ दे हो बुआ किस का के राड़ हो का बड़े उबा जो बिंदनी की खोटा खाबो चालू और बिंदनी का बड़े उबा जो हौजी की खोटा खाबो चालू हो बुआ किस ने क्या बड़े एक मैंने एक कारण मारा छे बेटी के देख बेटी ने बड़े राबा दो वे तो किसी लड़क होने इन्हें आपने हाउ बुआ के लाड़े बीच को एक कारण है माने समझ ले या दूजा की बहू ने की होचे आ दूजा की और पराई चीज जड़े भी आ जावे ने बाकी अधेर कमे ना एक तो आपनी मोटरसाइकिल आपा चला रिया तो 40 की स्पीड तो आगे ने जावा जावा एवरेज बगड़े अतुजा की मोटरसाइकिल मांग रही जो ले जा रिया तो जाबा तो ना हॉकी स्पीड में जब बगेरी तो दूसरा की बगेरी का ताकि आप दूसरा की पा मार एक छोरो आप और एक दूसरा को दो ही लड़ रिया आप लोग छोरो दूसरा का छोरा ना कूट रियो तो ही दूसरा का छोरा धाके ला का मारा छोरा किसान दी दीरा ताकि वो तो दूसरा को रियो वार हाउ बुआ के इकेले राड़े वे आ दूसरा की है पराई है और बेटी ने हमजे या मार जो राड़े वा यदि हाउजी होच ले वे जिशान में मारी बेटी ने मेली अशियान आ मारे बहु कोई ने आ मारे बेटी है तो मैं हो रिपा का स्टाम पे एफिडेविट लिख दू क्या होगा के राड एवी मारे बेटी हम कम जाने आता माता पिता के देखे लाडली रहे महाराज